दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी क्वाइल से जो बाहर तीन वायर लूप निकाला जाता है, तीन वायर का जो लूप निकाला जाता है, इसका मूल मंत्र। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपील है आपसे कि मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे ताकि हर एक आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस वीडियो में कि किसी भी क्वाइल से तीन वायर जो होता है लूप का, वो कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने एक फुली फिनिश क्वाइल बाइंड कर लिया है पहले, और इसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग क्वाइल बाइंड करते हैं और उसके बाद रनिंग क्वाइल बाइंड करते हैं। तो जैसा कि मुझे अगर लूप निकालना होगा तो लूप पहले तो हमने बोल दिया आपको कि रनिंग अंदर हो, सॉरी स्टार्टिंग अंदर हो गया और रनिंग बाहर हो गया, ठीक है। लेकिन बोलने से और इसमें वायर डालने से ये रनिंग स्टार्टिंग नहीं बन जाता है, ठीक है। रनिंग स्टार्टिंग लूप निकालने के क्रम बनाया जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पे आप जान लें कि कोई सा भी क्वाइल में रनिंग स्टार्टिंग वायर फंसा देने से नहीं होता है, वायर डाल देने से नहीं होता है, लूप निकालने के वक्त रनिंग और स्टार्टिंग बनाया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे बाइंड करके यहाँ पे एंड कर दिया, ठीक है। तो ये दो वायर स्टार्टिंग का निकल गया। अब यहाँ से हमने फिर से स्टार्ट किया और फिर राउंड ला करके यहाँ पे एंड कर दिया, तो ये रनिंग का दो लूप हो गया, ठीक है। तो ऐसे चार लूप आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको बाहर में भी आकर के जब पंखा आप कस देंगे, फिनिश कर देंगे, तो पर भी आपको फिर तीन लूप का सहारा लेना ही पड़ेगा, तीन लूप ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक तो हम लोग बाहर क्या करते हैं, चार वायर अगर हम निकालते हैं बाहर, तो बाहर में आकर के दो एक रनिंग एक स्टार्टिंग को आपस में जोड़ देते हैं। उस वक्त कई बार होता है कि पता नहीं चलता है कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग का वायर है। बहुत सारे मैकेनिक अपने अपने कलर के हिसाब से, कलर कोड के हिसाब से वायर डाल देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि इसमें अंदर से ही हम तीन वायर कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको अब ये बताना कि मुझे यहाँ पे रनिंग, इसे स्टार्टिंग और इसे रनिंग बनाते हुए हमें तीन वायर बाहर निकालना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, अगर ऐसे इसको अगर हम कॉमन वायर बनाने के लिए आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये कॉमन वायर हो गया और ये दोनों कैपेसिटर के लिए हो गया। तो यहाँ तक तो सही है, ये आपका स्टार्टिंग काम करेगा और ये रनिंग काम करेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम सपोर्ट डैट अगर ऐसे अगर जोड़ देते हैं, इस वायर को अगर हम ऐसे जोड़ देते हैं, तो अब ठीक उल्टा हो गया। ये अब स्टार्टिंग काम करेगा और ये रनिंग काम करेगा। इस पीरियड में क्या होगा कि आपका क्वाइल किसी भी वक्त ख़राब हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में कुछ टर्ने कम दी जाती है और रनिंग में कुछ टर्ने ज़्यादा दी जाती है, ठीक है। तो जो उल्टा होगा, ये रनिंग बन जाएगा और ये स्टार्टिंग बन जाएगा, तो स्पीड में भी अंतर हो जाएगा और क्वाइल किसी भी वक्त जल सकता है। सेम उसी तरह से अगर ऐसे भी अगर आप जोड़ देते हैं, अगर ऐसे अगर इसे हम कॉमन बना लेते हैं, तो इस पीरियड में भी आपका क्वाइल जल सकता है। इस पीरियड में भी आपका ये रनिंग बनेगा और ये स्टार्टिंग बन गया, तो इस पीरियड में भी आपका क्वाइल जल सकता है। तो दोस्तों आप लोग हमेशा ध्यान रखिए और बहुत ही बारीकी से देखिए कि आपको कॉमन वायर जब बनाना है, तो देख लीजिए इस दोनों वायर को आपको कॉमन वायर बनाना है। ये 100% सही तरीका है तीन वायर बाहर निकालने का। अब ये कॉमन वायर हो गया और ये दोनों कैपेसिटर के लिए हो गया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का अगर दो वायर हम देते हैं, एक फेज और एक अर्थिंग, तो एक इसमें जुड़ेगा और एक इसमें जुड़ेगा, ठीक है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो मेरे कॉमेंट बॉक्स में आकर के आप कॉमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे ताकि हर एक आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।